अस्सलामुअलैकुम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दारुल नजवा क्या है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन सवालात को जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। फ़िलहाल हम लोग इस्लामिक स्टडीज़ के सवालात डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दारुल नजवा के बारे में डिस्कस किया था। एक और अहम सवाल जो बार बार कैंडिडेट से पूछा गया है, अक्सर कैंडिडेट से पूछा गया, वो सवाल ये है कि दारुल हुज्न क्या है। इससे बहुत सारे दो तीन मसलकों के अलग अलग राय हैं इसके ऊपर। दारुल हुज्न जो है ईसाई मज़हब के हवाले से अगर इसको देखा जाए, उसकी हिस्ट्री ये लोग ये बताते हैं कि वो जगह जहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ के गम में बैठ के रोते थे, तो उस जगह को उन लोगों ने दारुल हुज़्न का नाम दिया है। ये रिवायत इस्लाम में भी मकबूल है। इसके अलावा शिया मसलक में एक और जिक्र भी है जिसको वो लोग बैतुल अहज़न कहते हैं। इस बैतुल अहज़न से ये वाक़या निस्बत रखता है कि जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा कर गए तो हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गमज़दा होती थी, कोई कोई रहती थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, जन्नतुल बकी में एक कमरा बनाया और खातून जन्नत को कहा कि आप उधर जाके इबादत करें और उधर ही अकेले थोड़ा बैठा करें ताकि आपका दिल बहल जाए। तो हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उधर जाकर इबादत करती थी और उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने के गम में रोती भी थी। तो ये शिया मसलक में ये वाक़िया है। इसके अलावा अल समूरी नाम का एक दानिश्वर और उलमा गुज़रा है, उसने इमाम गज़ाली से भी यही इसी बात को नकल किया है कि ऐसा कमरा बनाया गया था जिसको बैतुल अहज़न का नाम दिया गया था, जन्नतुल बकी में, जहाँ हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जाके इबादत किया करती थी। अच्छा, ये बैतुल अहज़न को सन 1926 1344 हिजरी में मिसमार किया गया था। ये समझा जाता था कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो तुर्बत है, कब्र है, वो इसी के अंदर है, कहीं आगे चलकर इसको ये लोग एक ज़ियारत ना बनाने, इस वजह से इसको मिसमार किया गया था। इसके अलावा बैतुल अहज़न या दारुल अहज़न पर किताबें भी लिखी गई हैं। बैतुल अहज़न फ़ी मसायब सादतुल ज़मान सैयदतुल निस्वान, ये एक किताब है। इसका मुसन्निफ़ है शेख अब्बास कौमी। उसने ये किताब जो है बैतुल अहज़न हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर लिखी। एक और बुक के दारुल हुज़्न उसका नाम है, उसके मुसन्नफ़ है शमरानी अब्दुल्ला मोहम्मद। तो इसके हवाले से ये सवाल पूछे जाते हैं दारुल हुज़्न क्या है। एक तो ये है कि वो जगह को भी कहते हैं जहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बैठ के रोते थे। दूसरा, बैतुल अहज़न वो मकाम जहाँ पे जो हज़रत अली ने वो कमरा जो बनाया जन्नतुल बकी में, जहाँ पे हज़रत बी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या करती थी, इबादत करती थी। दूसरा, ये दारुल अज़न क्या, ये एक किताब का भी नाम है जिसका मुसन्निफ़ है शमरानी अब्दुल्ला मोहम्मद। तो इसके हवाले से ये तीन सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये तीनों जवाब अगर कोई दे दे तो तीनों ही सही हैं, गलत नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह वापस एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।